परसेंटाइल और पर्सेंटाइल रैंक को समझते हैं। परसेंटाइल्स आर द पॉइंट्स दैट डिवाइड्स ए डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच ऑफ विच कंटेन्स 1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेस। इट इज डिनोटेड बाय पी एंड स्मॉल पी। स्मॉल पी इज द पॉइंट बिलो विच परसेंट ऑफ स्कोर्स फॉल। परसेंटाइल वो पॉइंट होता है जो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को 100 बराबर के भागों में विभाजित करता है, और ईच जो भाग है उसके अंदर 1% जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं उनका 1% होता है हर भाग के अंदर। अब जैसे हम कहें P99, इट मीन्स 99% स्कोर्स फॉल बिलो 99। इसका मतलब है कि 99% स्कोर्स हैं जो 99 के नीचे फॉल करेंगे। और सिमिलरली P75 का मतलब है मीन्स 75% ऑफ द स्कोर्स फॉल बिलो 75। जैसा कि आप इसमें एक देख सकते हैं, एक लाइन बनाई गई है, इसमें एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिवाइड किया गया 100 इक्वल पार्ट्स में, P1 to P99, P1, P10, P25, P50, P75, P90। ये देख सकते हैं P25 में लिखा हुआ है हमने Q1, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू फर्स्ट क्वार्टाइल, यानी कि 25th परसेंटाइल इज इक्वल टू फर्स्ट क्वार्टाइल। सिमिलरली P50 इज इक्वल टू मीडियन विच इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू सेकेंड क्वार्टाइल। जो P50 है यानी कि 50th परसेंटाइल, वो मीडियन के बराबर है और सेकेंड क्वार्टाइल के। सिमिलरली P75 इज इक्वल टू Q3 विच इज क्वार्टाइल 3 और थर्ड क्वार्टाइल, यानी कि 75th परसेंटाइल है, थर्ड क्वार्टाइल के बराबर है। हेयर P1 इज द फर्स्ट परसेंटाइल, P10 इज द 10th परसेंटाइल, P25 इज 25th परसेंटाइल, P50 इज 50th परसेंटाइल, P75 इज 75th परसेंटाइल एंड P99 इज 99th परसेंटाइल। कंप्यूटेशन, यानी कि अब हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं अनग्रुप डाटा के लिए इन विच विदाउट फ्रीक्वेंसीज। PP इज इक्वल टू साइज ऑफ PP इनटू N+1 आइटम अपॉन 100। अब एग्जांपल हम एक सॉल्व करके देखते हैं। कैलकुलेट 30th परसेंटाइल ऑफ ए ग्रुप विच हैज़ 40 पीपल। तो इसमें 30th परसेंटाइल हमें निकालना है ग्रुप का जिसमें 40 पीपल हैं। तो अब हम इसमें फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, PP इज इक्वल टू साइज ऑफ P इंटू N+1/100 आइटम। तो 30 × 40 + 1/100 आइटम इज इक्वल टू 30 × 0.41 इज इक्वल टू 12.30 आइटम। जनरली नॉट कैलकुलेटेड इन अनग्रुप डाटा में हम कैलकुलेट वैसे परसेंटाइल नहीं करते हैं जनरली। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा विथ फ्रीक्वेंसीज। अब इस केस में हम अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं, तो कैलकुलेट द 25th परसेंटाइल फ्रॉम द गिवन डाटा। गिवन डाटा में दिया हुआ स्कोर्स हमें दिए हुए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई हैं 1, 2, 6, 4, 5, 1, 1। इनका हम टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसीज का तो कैपिटल N इज इक्वल टू 20 आएगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है, जो लोएस्ट स्कोर क्या दिया है इसमें 6 और सबसे जो बिलो नीचे फ्रीक्वेंसी है 1, तो हम ऐड करेंगे 1 + 1 को 1 ही रहने देंगे, हम बॉटम से चल रहे हैं। 1 + 2 = 3, 3 + 6 = 9, 9 + 4 = 13, 13 + 5 = 18, 18 + 1 = 19, 19 + 1 = 20 और कैपिटल N हमारे पास 20 है। तो अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं, PP इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है साइज ऑफ P × N+1/100 आइटम। तो P 25, यानी कि हम 25th परसेंटाइल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो साइज ऑफ 25 × 20+1/100 आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ 25 × 21/100 आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ 25 × 0.21 आइटम। तो ये आ गया हमारे पास साइज ऑफ 5.2125 आइटम। अब हम यहाँ जाके देखेंगे दोबारा कि जो 5.25 जो आ रहा है हमारा, ये किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 में आ रहा है, जिसका कि स्कोर है विच कॉरस्पॉन्ड्स टू स्कोर 8। तो हमारा जो आंसर हुआ इसका, हम देखेंगे ये जो हमारा आंसर आ रहा है इसमें जो 5.25 नंबर का आइटम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखेंगे, 9 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 के अंदर आ रहा है और इसका स्कोर है 8। सो वी सी दैट द 5.25 आइटम फॉल्स इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 हुज स्कोर इज दिस, हेंस P25 इज इक्वल टू 8, यानी 25th परसेंटाइल का जो हमारा निकला है वो स्कोर आंसर है 8। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, परसेंटाइल इन केस ऑफ ग्रुप्ड डेटा। इसके लिए हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वह PP इज इक्वल टू L+PN/100 -F/FP (i), वेयर PP इज परसेंटाइल
जो हमें निकालना है वॉन्टेड एल इज एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल इन विच परसेंटाइल फॉल्स, ये एग्जैक्ट लोअर लिमिट होगी जहाँ परसेंटाइल फॉल करेगा उससे उसकी, और पी एन होगा परसेंटाइल ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पी पी। एल होगा एक्सैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल इन विच परसेंटाइल फॉल्स, पी एन इज द परसेंट ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पी पी, एंड एफ इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द इंटरवल विच कंटेन पी पी, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द इंटरवल जिसमें हम पी पी होगा उससे बिलो वाली वो होगी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द इंटरवल विच कंटेन्स पी पी, एफ पी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल कंटेनिंग पी पी। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ वी विल सी एग्जाम्पल में कैलकुलेट पी 40 एंड पी 75 फ्रॉम द गिवन डाटा, हमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल आप जैसे देख रहे हैं देश दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज का हमने टोटल कर लिया 3 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, तो ये हमारा कैपिटल एन इज इक्वल टू 80 आ गया। अब हमें ये देखना है पी 40 कैलकुलेट करना है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं पी एन अपॉन 100, तो 40 इंटू 80 बाई 100 इज 200/100 इज इक्वल टू 32। अब हमें ये देखना है 32 जो है हमारा ये किस क्लास इंटरवल में फॉल कर रहा है, 32 हमारा फॉल कर रहा है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 40, अब इसे हम मार्क कर लेंगे 40, तो इसमें अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है 32 जो आइटम फॉल कर रही है इट इज़ फॉल्स इन द क्लास इंटरवल 37 to 40। सिमिलरली जो पी 75 भी हमें पहले कैलकुलेट करना है उसमें भी हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, पी एन बाई 100 से हम देखेंगे 75 इंटू 80 बाई 100 इज इक्वल टू 60, 60th आइटम इज फॉल किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी अब 60, तो 62 में फॉल कर रहा है तो उसको भी हम मार्क कर लेंगे, इट फॉल्स इन द क्लास इंटरवल 45 to 48। अब नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला, नाउ पी 40 इज इक्वल टू हमें पता है एल प्लस पी एन बाई 100 माइनस एफ अपॉन एफ पी इंटू आई। अब क्यूमुलेटिव एल हमें पता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल थी 37 टू 40 के, तो एक्जैक्ट इसकी हमें पता है जो एल था ये था एक्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल इन विच द परसेंटाइल फॉल्स, तो परसेंटाइल एल हुआ हमारा इस केस में 36.5 प्लस पी एन बाई 100 हमारा निकाल लिया था 32 था, एफ जो कैपिटल एफ था वो हमारा क्या था कि इट इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द इंटरवल विच कंटेन्स पी पी, तो बिलो द इंटरवल में हमारा आ गया 40 के बिलो क्या आ रहा है 28 हो गया। एफ पी हमारा क्या था स्मॉल एफ पी था हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल कंटेनिंग पी पी, तो वो हमें दिया हुआ है 12, तो वो हमने 12 करा और इंटू क्लास इंटरवल हमारा क्या है 4 into 4, तो 36.5 प्लस 32 माइनस 28 अपॉन 12 इंटू 4, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 37.83, तो हमारा पी 40 यानी कि 40th परसेंटाइल हुआ 37.83। सिमिलरली पी 75 हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा लोअर लिमिट एग्जैक्ट हुआ 45 टू 48 में था, तो 44.5 हुआ एग्जैक्ट लोअर लिमिट। पी एन बाई 100 हमारा आया था 60 और हमारा एफ हुआ था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो जो द इंटरवल विच कंटेन्स पी पी, ये हमारे पास है 54, तो 54 हम इसमें लेंगे और एफ पी हमारा इस केस में आया 8, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल विच कंटेन्स इनिंग पी पी, तो उसके बाद और क्लास इंटरवल है 4, तो 44.5 प्लस 6 इंटू 4/8 ये हमारा आ गया 47.5, तो हमारा जो पी 75 आया 47.5 आया है। तो इसमें अब हमने देखा कि हमारा पी 50 आया 37.8 और पी 75 आया 47.45। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स। ये क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जुलाई 2008 में आया था एनटीए में, नेट में, यूजीसी नेट में। द परसेंटाइल रैंक ऑफ ए स्टूडेंट ऑन ए टेस्ट वाज फाउंड टू बी 67%। एक स्टूडेंट की परसेंटाइल रैंक जो आई है एक टेस्ट में वो आई है 67, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट द स्टूडेंट स्कोर्ड 67% मार्क्स, 33% स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो हिज स्कोर, 67% स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव हिज स्कोर और 67% स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो हिज स्कोर। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर किसी स्टूडेंट की 67%
टाइल रैंक आई है, इसका मतलब हुआ 67% स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो हिज स्कोर, और वी कैन से दैट 37% स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव हिज स्कोर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. अब हम एक क्वेश्चन आया था जून 2019 में, इसे डिस्कस करते हैं. इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन कॉरस्पॉन्ड्स टू विच परसेंटाइल. एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लस वन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, कितने परसेंटाइल को, 34th, 68th, 84th और 75th. अब जैसा कि हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है विच डिवाइड्स इस ये सिमेट्रिकल होता है और इसमें प्लस 3 sigma 2 माइनस 3 sigma होता है. अब यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मीडियन है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, तो दोनों साइड हाफ 50% इसका लेफ्ट साइड हो गया, 50 राइट हो गया, और मीडियन से जो प्लस वन सिग्मा है उस वो हुआ 34.13% और राइट साइड में, और ऐसे मीडियन टू माइनस वन सिग्मा भी हुआ 34.13%, तो टोटल हो गया 68.26% एम प्लस माइनस वन सिग्मा हम कह सकते हैं, और एम टू प्लस सिग्मा हो गया. फिर फर्दर हम ऐड करेंगे 34.13 to 13.59 सिग्मा, ऐसे ही एम प्लस माइनस टू सिग्मा हो गया हमारे पास 95.44%. सिमिलरली हमारे पास एम प्लस माइनस थ्री सिग्मा हो गया 99.73%. अब हमें ये पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें ये देखना है प्लस वन का मतलब है मीडियन से लेके जो लेफ्ट साइड का सारा 50% हो गया, अब एम टू प्लस वन सिग्मा हमारे पास है 34.13, तो हम 50 + 34.13 इज इक्वल टू 84.13 विच कॉरस्पॉन्ड्स टू 84th परसेंटाइल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3.